हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 16 अगस्त दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना सावन और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और किसानों के लिए लाल किले की प्राचीर से किए बड़े ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और कई नई योजनाओं का जिक्र कर देश की प्रगति की बात भी कही। दोस्तों आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तो सुना होगा, लेकिन इसमें कुछ खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कृषि को हाईटेक बनाने से लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों से लेकर आंगनवाड़ियों तक ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें महिलाएं योगदान नहीं दे रही हों। अब मेरा सपना गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जो मैं इस वर्ष तक पूरा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 15,000 महिलाओं को ड्रोन चलाने और उनकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होंगी और देश के कृषि तकनीकी क्षेत्र को मजबूत भी करेगी, जिससे महिलाओं तथा किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जाएगी, जिससे वंचितों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थात जिन गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं बने हैं, उनके भी मकान योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। वहीं महाकाल लोक की तर्ज पर अब प्रदेश के कई स्थानों पर धार्मिक लोक भी बनाए जाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी है मानसून की सक्रियता। प्रदेश के 22 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ रही है, इसके असर से बड़े हिस्से में एक बार फिर वर्षा का दौर शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, जिससे पूरा प्रदेश फिर से तरबतर होगा। दोस्तों बिहार राज्य के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि अगले साल लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली है हमें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा नहीं फहराएंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगले साल हमारी बारी होगी, अर्थात हमारे गठबंधन का कोई भी व्यक्ति लाल किले से झंडा फहराएगा, अर्थात लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी हारेगी, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों यह तो देश की जनता ही बताएगी कि गठबंधन का प्रधानमंत्री बनता है या फिर बीजेपी का। दोस्तों आज देश में बड़ी महंगाई चल रही है। महंगाई के दौर में हम आपको बता रहे हैं कि 1947 में, अर्थात जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय आपको खाद्य वस्तुएँ या फिर अन्य चीज़ें किस भाव से मिलती थी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 1947 में 88 रुपये में मिलता था 1 तोला सोना, वहीं 25 पैसे में 1 किलो आटा भी मिलता था। वहीं पिछले कुछ समय से विपक्ष जिन मुद्दों को लगातार उठा रहा है, उसमें महंगाई सबसे प्रमुख है और उसी महंगाई की बात हम आज कर रहे हैं। सन 1947 में 1 किलो शक्कर 40 पैसे में मिलती थी, अब जो आटा लगभग 30 रुपये किलो में मिलता है, वह 76 साल पहले सिर्फ 25 पैसे प्रति किलो में मिलता था। इसके अलावा तेल की बात करें तो तेल की कीमत 24 पैसे प्रति किलो थी, उस समय 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध 12 पैसे में आ जाता था। वहीं चावल भी 12 पैसे प्रति किलो मिलता था, उस समय आलू की कीमत चावल से ज़्यादा थी, 1 किलो आलू 25 पैसे में मिलता था। हालांकि अभी खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़े हैं तो आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी महंगाई ज़्यादा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए प्रमुख घोषणाएं। घोषणाओं में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अब नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे, वहीं हर विकास खंड में
तीस बिस्तरी अस्पताल भी बनेगा। इसके अलावा 6000 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूलों का भी संचालन शुरू होगा। वहीं 200 करोड़ की लागत से 1000 से ज़्यादा एफपीओ गठित होंगे। इसके अलावा उज्जैन में 284 करोड़ की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। वहीं आईटी के क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार बनेंगे। इसके अलावा 5G सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी सख्ती से आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 16 अगस्त से अर्थात आज से फिर होंगे शिक्षकों के तबादले। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफ़र 16 अगस्त से फिर से शुरू होंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। वहीं विभागीय मंत्री के आदेश से शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे। दोस्तों, यदि आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लगाया है तो जानकारी से अपडेट रहें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को दी बड़ी सौगात। सौगात के तहत भोजन, वर्दी समेत अन्य भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, पुलिस कर्मियों को प्रत्येक महीने शासकीय कार के लिए यात्रा में 15 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अर्थात शासकीय यात्रा के लिए जो आपको 15 लीटर पेट्रोल हर महीने दिया जाएगा वह वित्त विभाग जारी करेगा। वहीं अब पुलिस के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों को स्वीकृति पौष्टिक आहार भत्ता 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। मिलाकर के पौष्टिक आहार भत्ते में भी वृद्धि की गई है। वहीं पुलिस आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाली किट क्लोटिंग भत्ता प्रतिवर्ष 2500 और 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाएगा। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को दी है बड़ी सौगात। दोस्तों, आमजन को 15 अगस्त को मिली है दोहरी खुशी। दोहरी खुशी के तहत नवगठित रीवा जिले के मऊगंज जिले का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वह स्वतंत्रता दिवस मऊगंज के सीएम राइज स्कूल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं मऊगंज में प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आमजनों में भी काफ़ी उत्साह का वातावरण रहा। इसके अलावा हजारों लोगों ने समारोह में भागीदारी की और मऊगंज को जिला बनने तथा स्वतंत्रता दिवस की दोहरी खुशी मनाई। इस प्रकार मऊगंज जिला वासियों को नए जिले तथा स्वतंत्रता दिवस की दोहरी खुशी मिली। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।